दोस्तों विदाउट महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2023 का 61वां मुकाबला समाप्त हो चुका है। चेपुक के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीत और टॉस जीतते ही बल्लेबाजी को चुना। ऋतुराज गायकवाड़ और देवयान कॉनवे सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाई। दोस्तों चक्रवर्ती की इस गेंद पर छक्का लगाने की चाह में पैरिस लाइन बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ पीछे डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे वैभव अरोड़ा को, जिसके चलते 17 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए गायकवाड़ आउट हुए। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी करने आए रहाने, लेकिन 16 रन बनाकर चक्रवर्ती की इस गेंद पर पीछे खड़े जैसन रॉय को सिरे से अजिंक्य रहाणे भी कैच दे बैठे 16 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अजिंक्य रहाणे आउट हुए। दोस्तों इनके बाद दिव्यान कॉनवे भी वही गलती कर बैठे, ठाकुरी गेंद पर टॉप एच दे बैठे, पीछे फील्डर रिंकू सिंह ने शानदार कैच को समाप्त किया, जिसके चलते इस मुकाबले में दिव्यान कॉनवे 30 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके ठीक बाद अंबती रायडू भी नारायण की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बोल्ड हुए, मात्र 4 रन बनाकर अंबती रायडू आउट हुए, 68 रन पर 4 विकेट गिर गए। आते ही मोइन अली भी इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए नारायण की गेंद पर, एक के बाद एक विकेट जा रही थी, मोइन अली भी मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद आए शिवम दुबे और जडेजा, शिवम दुबे ने अंत तक एक अच्छी पारी खेली लेकिन उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। जडेजा भी 20 रन बनाकर वैभव अरोरा की इस गेंद पर पीछे कैच समा बैठे, 20 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते खराब बल्लेबाजी कर जडेजा आउट हुए। अंत में आए महेंद्र सिंह धोनी, जिनके पास सिर्फ 3 ही गेंद थी और 3 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 2 रन ही लगाए, और शिवम दुबे ने 48 रन लगाए 34 गेंदों में, जिस गलते 144 रन लगा पाई चेन्नई की टीम 6 विकेट के नुकसान पर, और 120 गेंदों में 145 रन लगाने थे केकेआर को मुकाबला जीतने के लिए। इन्हें टारगेट का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम, पहले विकेट इनकी भी जल्दी गिरी। इस तरीके से गरबाज बाहर जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का ऐसे करके ऐसे बैठे डीप मिड विकेट पर 1 रन बनाकर गरबाज आउट हुए। 200 उनके बाद वेंकटेश अय्यर भी वैसे ही गलती कर बैठे, बाहर जाती हुई गेंद पर एच दे बैठे बल्ले का, पीछे जड़े जाने स्लिप में शानदार कैच लपक ली, वेंकटेश अय्यर भी मात्र 9 रन बनाकर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आकर आउट हुए। 200 उनके बाद और झटका लगा बड़ा, जिसन रॉय के रूप में अपने बल्ले का एच दे बैठे, ये भी स्लिप में जाकर गिरी गेंद इस तरीके से। 200 इस मुकाबले में जैसन रॉय भी मात्र 12 रन बनाकर आउट हुए। फिर आए रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह का साथ देने आए कप्तान नीतीश राणा, और दोनों के बीच में हो गई बड़ी साझेदारी। 200 महेंद्र सिंह धोनी की सेना साझेदारी को तोड़े नहीं पाई अंत तक, देखते ही देखते इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, काफी अच्छी इन्होंने बल्लेबाजी की, उनके साथ अच्छी बल्लेबाजी की कप्तान नीतीश राणा ने, और इन्होंने भी 38 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, और यहीं पर मुकाबला पूरी तरह से केकेआर के हक में आ गया क्योंकि 100 रनों की साझेदारी हो गई। तभी हार ना के चक्कर में दूसरे रन से रन आउट हुए इस तरीके से रिंकू सिंह, लेकिन ये मुकाबला जीता कर आउट हुए केकेआर को 54 रन बनाकर 43 गेंदों का सामना करते रिंकू आउट हुए। 10 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे, नीतीश राणा ने चौका लगाकर केकेआर को 6 विकेटों से मुकाबला जिता दिया। जी हां दोस्तों, 6 विकेट से महेंद्र सिंह धोनी की सेना चेपुक के मैदान पर हार गई। लेकिन दोस्तों आप केकेआर की जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं।